हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 कुमार मित्तल के बुक से अध्याय 8 जो है आपका धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण यानी चल कुंडली धारा मापी, उसी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो अध्याय 8 कुमार मित्तल के बुक से, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स का। और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अध्याय 8 का, वह कह रहा है 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सब क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। इसमें तो आपको थोड़ा सा अपने ओर से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं आसानी से। कराए 20 फेरों की एक कुंडली, एक कुंडली है, उस कुंडली में 20 फेरे लगे हुए हैं। फेरों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। कितने फेरे हैं? 20 फेरे। कराए कि जो क्षेत्रफल है वह 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में, ठीक है ना। तो 1.5, देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। एक बार इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, एक बार इसको, तो इस वाले को मीटर में बदलेंगे तो 10^-2 से गुणा, फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे फिर 10^-2 से गुणा, तो ये भी मीटर में बदल गया, ये भी मीटर में बदल गया, मीटर मीटर का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर। यानी कि जो ए का मान है वह 1.5 × 10^-2 − 2 − 2 − 4 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान कितना दिया है? 3 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसे 0.4, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है? 0.5 टेस्ला। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, हम लोग डायरेक्टली टेस्ला ही लिखेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर अन्य मात्रक को नहीं लिखने वाले हैं। इस प्रकार लटकाया गया कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। यहाँ पे देखिए, देखिए जो भी हम लोग बल आघूर्ण पूछा है, ध्यान से बात को समझिएगा। बल आघूर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू, वह होता है NIAB sin θ, ठीक है ना। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है वह A और B के बीच का कोण है, A और B के बीच का कोण। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ए क्या है? एरिया वेक्टर है, ठीक है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा क्या है? ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक क्वेश्चन समझेंगे तो सभी क्वेश्चन आ जाएगा। थीटा क्या है? ए और बी, ए मतलब एरिया वेक्टर, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका तल है, ठीक है ना, कुंडली का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। कुंडली का तल यानी कि कुंडली का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। सपोज करिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, और इसका जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, हमने कुंडली को ऐसे रख दिया है, ठीक है ना, तो उसी की दिशा में है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में है, एरिया वेक्टर ऊपर की साइड, चुंबकीय क्षेत्र दिशा राइट। तो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। जब भी कहे कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तब एरिया वेक्टर और बी के बीच के जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे आई होप। अब इसके आगे अब हमें केवल मान निकालना है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, टाउ बराबर होता है बल आघूर्ण पूछ रहा है, ये सब फार्मूला हमने प्रूव भी किया है, NIAB sin θ, ठीक है ना। ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो आसानी है। एन का मान दिया है 20,
ए का मान हमें दिया है कहाँ पे है, सॉरी आई आई का मान दिया है 3 एम्पियर, ए का मान हमने निकाला है कितना है 1.5 गुणे 10^-4, बी का मान हमें दिया है 0.5 साइन थीटा, थीटा बराबर कितना है 90 अंश, बस इजली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 20 60, 15 5 75, यानी देखिए 1 अंक पे 10 यहाँ, 1 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे 10 लग जाएगा, यानी 0.75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10^-4 लगा दिया, साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। अब फिर से गुणा कर देते हैं, 6 5 3, 7 6 42 3 45, ठीक है। 10 ये वाला था बढ़ा दिया, 2 अंक पे 10 लगा दिया, ठीक है, 10^-4, यानी कि टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4.5 × 10^1 अंक हम लोग किधर ला रहे हैं, बाएं साइड, जब बाएं साइड लेकर आएंगे तो 10^1 प्लस होगा ना, तो -4 + 1 हो जाएगा, यानी कि टाउ का जो मान आएगा वह 4.5 × 10^-3 मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये बलागुण कार्य करेगा 4.5 × 10^-3 न्यूटन मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे जो कोड है वही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कोड बन रहा है वो कितने अंश का बनेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 100 फेरों वाली तथा 15 cm × 10 cm क्षेत्रफल की एक कुंडली 1 Wb/m² के चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। कुंडली में धारा 2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। यहाँ भी देखिए कुंडली का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यानी एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 90 अंश का बनेगा। कुंडली पर लगने वाले बलाघोड़ की गणना कीजिए। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आसान सब है कि नहीं, पहला क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो दूसरा आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहला अगर समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग दूसरे क्वेश्चन को पहले लगाइए, कोई दिक्कत हो तब इसको देखें, तो आगे बढ़ जाइए। कह रहा है 100 फेरों वाली, यानी n इज इक्वल टू कितना दिया है 100 फेरे, ठीक है ना। एक कुंडली है, उस कुंडली में कुल कितने फेरे लगाए गए हैं, 100 फेरे लगाए गए। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 15 cm × 10 cm, यही दिया है ना, 15 cm × 10 cm। चलिए इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10^-2 से गुणा, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10^-2 से गुणा, अब मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर में दिया है मैं मीटर में 15, इधर क्या हो जाएगा 10^1 है, 10^-2, -2 -2 -4, -4 में से 1 कम होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से a बराबर, ये मीटर स्क्वायर, a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 1 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं तो 10^1 जुटे आएगा, यानी 10^-2 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र b का मान है वह 1 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 1 टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोलते हैं, ये बात आप जानते रहिए। कुंडली में जो धारा है आई का मान वह 0.2 एम्पियर है। कह रहा है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यानी कि फार्मूले में जो ए और बी के बीच का कोण जब समांतर होता है तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90। देखिए तल समांतर है, ठीक है ना, तल समांतर है, यानी एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए अब निकाल लेते हैं टाउ बराबर क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा, ये फार्मूला है। एन का मान कितना दिया है, 100 फेरे, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10^2। आई, आई का मान देखिए कितना दिया है, 0.2। ए, ए का मान देखिए यहाँ पे है 1.5 × 10^-2। उसके बाद बी, बी का मान 1 टेस्ला दिया है, साइन थीटा यानी साइन 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 15 × 2 में करेंगे 30, 15 × 2 में करेंगे 30, 2 अंक पे 10 लगेगा, ठीक है ना, 30 हो जाएगा, 2 अंक पे 10 लग जाएगा। उसके बाद ये इधर 10^2, 10^-2, ये इससे क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 1 और साइन 90 अंश का मान भी कितना होगा, 1, यानी टाउ का जो मान आएगा वो 0.3 न्यूटन पर मीटर आएगा,
टाउ का मान कितना आ गया 0.3 न्यूटन पर मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन भी है, ज्यादा कुछ मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। वीडियो को पास कीजिए और वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के फेरों 30 फेरे हैं, यदि इसमें 1×10⁻⁴ एम्पीयर की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे कैपिटल एम पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण ठीक है क्या होता है, m = IA, यदि n फेरे लगे हैं तो NIA हो जाता है, फार्मूला जानते हैं। यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा जब इसका तल एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तल जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा 90 डिग्री बनेगा। फिर कह रहा है कि क्षेत्र के लंबवत हो, जब लंबवत हो तब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे जैसे जैसे आएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे थर्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है। तीसरे में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया है, एक आयताकार कुंडली है उसका क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले किस में चेंज कर लें, मीटर में, तो इसको मीटर में, इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻², इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻², मीटर स्क्वायर हो जाएगा। h = कितना हो जाएगा 1.5×10⁻⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 1×10⁻⁵, 10⁻², -2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फेरों की जो संख्या है, n का मान दिया है कितना, 30 फेरे, n का मान कितना दिया है 30 फेरे। कह रहा है कि यदि इसमें जो धारा भेजी जा रही है I का मान, धारा जो भेजी जा रही है कितना है 1×10⁻⁴ एम्पियर पूछ रहा है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, अतः चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं ना सारी चीजों को हमने वीडियो में क्लियर किया हुआ है। m = होता है I into A। यदि n फेरे हैं, यह एक फेरों के लिए है, अगर n फेरे हैं तो n का गुणा हो जाता है, ठीक है। m = कितना हो जाएगा n, n का मान कितना है देखिए 30, I का मान कितना है 10⁻⁴, A का मान कितना है 1.5×10⁻⁴, ठीक है। m = कितना हो जाएगा, यहाँ 15 × 45, देखिए 15 × 45, 10 यहाँ पे लग जाएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m = कितना हो जाएगा, 1.5 हम बाएं साइड लेकर आते हैं तो 4.5, 10⁻⁰ कमी हो जाएगा, 10⁻⁷। मात्रक क्या लिखने वाले हैं, मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मान किसका आ गया, ये मान आ गया है चुंबकीय आघूर्ण का। m बराबर आया है 4.5×10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, ठीक है ना। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, कह रहा है कि b = दिया है कितना, 0.6 टेस्ला, ठीक है, इतना दिया है। कह रहा है कि इसको लटकाया गया है तो पहले कंडीशन में जो तल है वह समांतर है, पहले कंडीशन में जो तल है वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तल पे, यानी एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण बनेगा वह कितना होगा, 90 डिग्री। तो पहले वाले कंडीशन में θ = क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अतः टाउ बराबर कितना होता है बताइए, टाउ बराबर होता है NIA b sin θ। देखिए NIA के स्थान पर यम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यम बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एम का मान हमने निकाल लिया है, एम का मान देखिए यहां पे निकाला है 4.5
10 के घाते माइनस 7, बी का मान हमें पता है 0.6, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 अंश। ठीक है, यहाँ से टाउ बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 6 5 30, 6 4 24, 24 3 27। ठीक है, और दो अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा, इधर 10 के घाते माइनस 7, साइन 90 अंश का मान 1, यानी जो टाउ इज इक्वल टू है वह 2.7 गुणे 10 के घाते माइनस 7 न्यूटन मीटर होगा। टाउ का मान कितना, 2.7 गुणे 10 के घाते माइनस 7 न्यूटन मीटर। ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, किसके किसके बीच का थीटा कोण है, एरिया वेक्टर और भी, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि क्षेत्र के लंबवत, यानी तल जो है वह क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है ना। सपोज करिए एरिया वेक्टर ऐसे है और हमने तल को ऐसे रखा है, ठीक है ना, तो तल पे परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की दिशा ये होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए सपोज करते चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और हमने इसी तल के लंबवत ऐसे रख दिया है, ठीक है ना, कुंडली को। अब एरिया वेक्टर की बात होगी तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है यहां थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है, यहां क्या हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो आपका टाउ बराबर भी कितना हो जाएगा 0, देखिए एन आई ए बी साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यानी कि एन आई ए बी साइन 90, साइन 90 अंश का मान, सॉरी साइन 0 अंश का मान 0, यानी टाउ बराबर 0। इस कंडीशन में कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसके बाद करा क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता हुआ, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आपने रखा है उसका जो तल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो तल है इस बार थीटा बराबर 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना, देखिए यहाँ पे जो थीटा दिया है वह कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना दिया है, थीटा डिग्री। लेकिन हमें थीटा कौन सा चाहिए, हमें थीटा कौन सा चाहिए, हमें थीटा ए और बी के बीच का चाहिए, ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तब बताइए बीच का कोण कितना हो जाएगा बताइए। देखिए सपोज करिए ये ऐसे है और ये आपका क्या है ऐसे रखा हुआ है 30 डिग्री पर, तो हमें चाहिए ए और बी के बीच का कोण, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 - 30 हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 60 अंश, अतः टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, यहाँ से टाउ, यम का मान हमने निकाल लिया है कितना है 4.5 गुणे 10 के घाते माइनस 7, बी का मान हमें दिया है 0.6, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है बताइए, साइन थीटा का मान है साइन 60 अंश। टाउ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 30, 6 6 24 2 27, ठीक है, एक अंक पे दशमलव, दो अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा, 10 के घाते माइनस 7 ये वाला, साइन 60 अंश का मान करणीय 3/2, ठीक है, यहाँ से टाउ बराबर इसको काट देते हैं तो 1.35 गुणे 10 के घाते माइनस 7, करणीय में 3 का मान 1.732। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी गुणा करा के रखा है, तो लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 के घाते माइनस 7 न्यूटन मीटर। गुणा करा करके आप चेक कर लीजिएगा, जो भी गुणा कराने पर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना, जो भी गुणा कराने पर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो नियर अबाउट 2.3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे थे, 4 क्वेश्चन पूछे थे, सबसे पहले हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने के लिए कहा, हमने यहाँ निकाला, फिर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा कि जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, फिर कहा कि थीटा बराबर 0 डिग्री, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, जब 30 डिग्री दिया है तो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा बस 60 डिग्री हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पास कीजिए और पास करके मेरा क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे, ये जितने 3 क्वेश्चन बताए गए हैं शायद से आपको आ गए होंगे, कोई डाउट भी नहीं होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर। क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर कह रहा है वह एक एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है, इससे 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ किस संड का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन है कि गैल्वानोमीटर का आप अमीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, आप कैसे धारामापी को अमीटर में बदलते हैं। अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर, यहाँ पे एक अमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक अमीटर दिया हुआ है। यह अमीटर, यह जो अमीटर है वह अधिक से अधिक एक एम्पियर तक धारा माप सकता है, ठीक है ना, यानी कि यह मीटर, ये जो अमीटर है यह ज़्यादा से ज़्यादा कितना धारा माप सकता है, एक एम्पियर का। कह रहा है कि लेकिन इससे हमें 10 एम्पियर का धारा मापना है, हम क्या करें कि इससे 10 एम्पियर की धारा माप लें। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब धारा मापी को अमीटर में चेंज किया जाता है तो इसी के साथ हम एक शंट लगा देते हैं, एक क्या करते हैं, संट लगा देते हैं। संट क्या होता है, अति सूक्ष्म प्रतिरोध, ये क्या है, संट है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, एक संट को लगा दिया। अब क्या होगा, हमें कितनी धारा मापनी है, 10 एम्पियर की, ठीक है, ये कितने का संट लगाया उसका प्रतिरोध क्या होगा यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से 10 एम्पियर की जब धारा जाएगी निकलेगी तो इधर एक एम्पियर की धारा, क्योंकि यह ज्यादा ज्यादा एक एम्पियर ही ले सकता है, बाकी 9 एम्पियर धारा इधर जाएगा, इस संट से होते हुए ऐसे मिल जाएगा, बाकी इधर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर, ठीक है ना, ये समझ में आया। हमने आपको बताया है कि जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, उसके साथ समांतर क्रम में एक संट लगा देते हैं, तो धारा का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, आप अगर हमें यहाँ पे सपोज करिए, अगर फार्मूले की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें जो धारा जाता है वह IG होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वह G लिया जाता है। फार्मूला जब हमने डिराइव किया था तो इसमें जो धारा जा रहा था उसको IG लिया था, इसका प्रतिरोध G लिया था, इसमें जो धारा जा रहा था उसको हमने I माना था, ठीक है ना, सॉरी टोटल धारा आपका I था, तो इसमें जो धारा जा रहा था वह I माइनस IG धारा था, ठीक है, इसका प्रतिरोध यस था। अब बताइए इसके सिरों के बीच का विभवांतर सपोज करते हैं ए बी है, फिर से पूरी चीजों को देख रहे हैं ना, ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए, ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर इक्वल होगा, बताइए इसके सिरों के बीच का विभवांतर इसके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होगा। फार्मूला एक बार फिर से प्रूफ करें ताकि आपको समझ में सब कुछ आ जाए। इसके सिर क्योंकि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होगा इसके सिरों के बीच का विभवांतर, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी बराबर क्या होता है, IR, भी बराबर क्या होता है, IR। तो सबसे पहले इसके सिरों के बीच का विभवांतर IR मतलब कितनी धारा जा रही है, कितनी धारा जा रही है, देखिए IG धारा जा रही है, ठीक है। तो यहां पे पहले इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो IG गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध इसका कितना है G, बराबर अब देखिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर, इसके सिरों के बीच में कितनी धारा जा रही है, I माइनस IG गुणे इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध आपने कितना लिया है S, V इज इक्वल टू IR होता है ना, हाँ बिल्कुल। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, IG गुणे G, इसमें देखिए कैलकुलेशन आपको अपने मन से करना है, ध्यान दीजिएगा, I का गुणा S में करेंगे, IS माइनस IG गुणे S हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही वाला है, इसी से सब कुछ होगा, ठीक है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्यों होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना, IG गुणे G, ये माइनस में इधर आया प्लस में, IG गुणे S, इधर क्या बचा, I इंटू S, इधर से हमें IG कॉमन देखा, हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, G प्लस S इज इक्वल टू I बटे S, ठीक है। IG बराबर कितना हो जाएगा, I बटे S प्लस G प्लस S कहिए, S प्लस G कहिए, ठीक है ना, चलिए S प्लस G कर देते हैं, S प्लस G, ठीक है। ये फार्मूला अब हम लोग आगे के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे यूज करने वाले हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस फार्मूले में रखिए, चाहे इस फार्मूले में रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं,
सबसे पहले IG का मान क्या दिया है यहाँ पे, IG वह अधिक से अधिक कितनी धारा ले सकता है, अधिक से अधिक 1 एम्पियर की धारा ले सकता है। हम कुल उसको कितनी धारा देना चाहते हैं, 10 एम्पियर की धारा देना चाहते हैं, ठीक है। G यानी कि जो आपका अमीटर है 1 एम्पियर वाला, उसका प्रतिरोध दिया है कितना, 0.81 ओम, ठीक है ना। पूछ रहा है कि 10 एम्पियर की धारा ने कितने किस संट का प्रयोग करें, किस संट का प्रयोग करें, यानी यस का मान आपसे पूछ रहा है। बस सब कुछ रख देते हैं, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, IG = I / S / G। चले यहाँ से IG का मान हमें पता है 1, IG = I का मान पता है 10, यस का मान हमें निकालना है, बटे यस प्लस जी, जी का मान हमें क्या है पता है, कितना है 0.81, ठीक है ना। यहाँ से इसके बटे एक कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो 1/1 देखिए, 1/1 बराबर 10 का गुणा यस में होगा 10 यस, बटे यस प्लस कितना हो जाएगा 0.81, तिर्यक गुणा करा देते हैं, तो यस प्लस 0.81 बराबर 10 का गुणा यस में कराएंगे 10 यस हो जाएगा, ये यस प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 0.81 बराबर 10 यस माइनस यस, 10 यस में से 1 यस चला जाएगा 9 यस बराबर 0.81, यानी 9 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 0.81/9, ये इससे कट जाएगा, यानी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है ना, 0.09 ओम, यानी कि संट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए 0.09, किस क्रम में लगाना पड़ेगा, समांतर क्रम में ना, समांतर क्रम में ही लगाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में। तो एकदम आसान था, इसी आसान से क्वेश्चन से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, आगे ढेर सारे क्वेश्चन, करीब 7-8 क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर सेम फार्मूला पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप चाहे उन सब क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो हम लगाने के लिए आए ही हैं, ठीक। वीडियो को पास कीजिए, और वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक धारा मापी में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें पूरे स्केल का विक्षेप, ठीक है, जब पूरे स्केल का विक्षेप या अधिकतम वह इतनी धारा माप सकता है, यानी वह IG दिया है, इस बात को आप जानिए। धारा मापी का प्रतिरोध, उस धारा मापी का प्रतिरोध कितना दिया है, 55.5 ओम। इस धारा मापी को 10 एम्पियर तक, यानी आई 10 एम्पियर तक पढ़ने के लिए अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कितने ओम का संट लगाना होगा, यही क्वेश्चन है कि नहीं, सेम टू सेम, बिल्कुल है। अब कह रहा है और इस अमीटर का प्रतिरोध, और जो अमीटर हमें मिलेगा उसका प्रतिरोध भी निकालना है, तो चलिए फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो फार्मूला हमने अभी डिराइव किया था, उस फार्मूले को एक साइड लिख लेते हैं। चलिए जो आपका क्वेश्चन, अच्छा जो फार्मूला है वह क्या था, फार्मूला था IG = IS / S / G, यही फार्मूला था, इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में IG का मान कितना दिया है बताइए, IG का मान आपका दिया है 10 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10^-3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10^-2 एम्पियर हो जाएगा। कह रहा है धारा मापी का प्रतिरोध यानी गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध जी कितना दिया है, 55.5 ओम, ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें, आपको अपने मन से करना है, टोटल हमें कितनी धारा मापनी है, 10 एम्पियर की धारा मापनी है, ठीक है ना, 10 एम्पियर की धारा हमें मापनी है। किस ओम का संट लगाना है, यस का मान हमसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है अमीटर का प्रतिरोध, जो संट लगाएंगे तो टोटल कितना प्रतिरोध है वही, ठीक है ना, अमीटर का प्रतिरोध। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रीवियस वाला। फार्मूला हमें क्या पता है, लिख लेते हैं, IG बराबर होता है IS / S / G। अभी प्रूफ किया इसी के पहले, IG का मान कितना है, 10^-2। I टोटल कितना धारा, 10। यस का मान पूछ रहा है, यस प्लस जी, जी का मान दिया है 55.5, ठीक है, बटे एक करते हैं, तिर्यक गुणा करा देते हैं, 10 यस का गुणा 1 में होगा 10 यस,
ठीक है, 10 के घाते माइनस दो का गुणा यस में होगा, 10 के घाते माइनस दो यस, 10 के घाते माइनस दो का गुणा इधर होगा 55.5 गुणे 10 के घाते माइनस दो। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 10 के घाते माइनस दो यस प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 के घाते कितना है, सॉरी 10 यस, ये 10 के घाते माइनस दो यस इज इक्वल टू इधर क्या बचा है 55। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 55, 10 के घाते माइनस दो है, ये माइनस दो अगर आप हटाना चाहते हैं तो दो अंक दशमलव और इधर आ जाएगा, दो अंक दशमलव इधर आ जाएगा यानी 0.555 हो जाएगा। ठीक है, इधर 10 यस, 10 के घाते माइनस दो है, 10 के घाते माइनस दो को क्या लिख सकते हैं 0.01 यस, ठीक है ना, 10 के घाते माइनस दो को इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.555। ठीक है, अब बताइए एस कॉमन कर लेते हैं, एस कॉमन करेंगे तो 10 के माइनस 0.01 होगा इज इक्वल टू 0.555। ठीक है, अब इसको देखिए हमें घटाना है तो 10 में से कितना घटाना है, 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0, कितना घटाना है 0.01। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ 9 बचेगा, यानी 9.99 बचेगा ना, तो यहाँ से एस गुड़े 9.99 इज इक्वल टू कितना 0.555 हो जाएगा। ठीक है, ये गुड़ा में उधर जाएगा भाग में, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 0.555 के बटे 9.99। ठीक है, एक की जीरो और बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना, देखिए जीरो तो बढ़ा सकते हैं, अब तीन अंक पे दशमलव ऊपर भी, तीन अंक पे दशमलव नीचे भी, यानी एस का जो मान आएगा वह 555 के बटे 9990 ओम आएगा। ठीक है, एस का मान इतना आएगा, तो कैलकुलेशन इसमें है कुछ इस प्रकार के कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आसान है एकदम, ठीक है, जो आपका आंसर दिया है किताब में उसको अगर लिखना है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक अंक पे दशमलव इधर लेकर आएंगे तो 55.5 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव यहाँ लगाएंगे यानी 999 बचेगा। तो किताब वाला अगर आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, किताब वाला आंसर है। ठीक है, तो आपको अपने मन से जो भी क्वेश्चन आए लिखना है। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, ये शंट का प्रतिरोध आया है, ये क्या आया है, शंट का प्रतिरोध आया है। अभी हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है पूरे अमीटर का प्रतिरोध, अभी हमसे क्या पूछ रहा है, पूरे अमीटर का प्रतिरोध, तो अमीटर का प्रतिरोध बताइए कितना हो जाएगा, अमीटर का प्रतिरोध, अच्छा आप बताइए दोनों यानी गैल्वानोमीटर और शंट, देखिए गैल्वानोमीटर इधर था, इसी के सामने श्रेणी क्रम में हमें शंट लगाना था, ठीक है, तो गैल्वानोमीटर ये दोनों क्या है, श्रेणी सॉरी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है बताइए, 1/RA कर देते हैं, यानी अमीटर का प्रतिरोध, ये कैसे निकलेगा, 1/G+1/S से, ठीक है, यानी 1/RA इज इक्वल टू तिरक गुणा करा देते हैं यस प्लस जी के बटे यस जी, यानी आर ए पलट देते हैं जी एस के बटे जी प्लस एस कहिए एस प्लस जी कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आर इज इक्वल टू जी, जी का मान हमें पता है, जी का मान कहाँ पे दिया है, यहाँ पे 55.5, 55.5 गुणे यस, यस का मान हमने यहाँ पे निकाला है 55.5 के बटे 999 बटे जी प्लस एस, जी का मान हमें दिया है 55.5 गुणे प्लस यस, यस का मान हमने निकाला है ना, केवल मान रख रहे हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा, बटे 999। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख करके आप लोग हड़बड़ा गए होंगे कि कितना सॉल्व करना है, 55.5 गुणे 55.5 बटे, देखिए गुड़े में है ना ऊपर वाला तो कर सकते हैं ऐसे 999 टोटल के बटे, अब इसका गुणा इसमें होगा यानी 55.5 गुणे 999 प्लस 55.5 बटे 999, 999 999 से कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, आर ए बराबर कितना बचा है, इधर देखिए 55.5 कूड़े 55.5 बटे, इधर देखिए 55.5 गुड़े 999
प्लस 55.5, दोनों में 55.5 कॉमन है क्या? कॉमन कर लीजिए, तो 55.5 को कॉमन किया, कितना बचा? 999 प्लस 1, 55.5 एक से कैंसिल हो जाएगा, एक अभी ऊपर बचा हुआ है। आर इज इक्वल टू क्या हुआ? 55.5, 999 प्लस 1 यानी 1000, यानी कि आर ए का मान कितना आएगा? अमीटर का जो प्रतिरोध आएगा वह कितना आएगा? 55.5 के बटे 1000। अगर आपको इसको और छोटे में लिखना है तो 3 अंक पे दशमलव और बाएं साइड लेकर आ जाइए, ठीक है? 0.2 अंक पे है और लेकर आएंगे तो 5 5 5 हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए 1 2, एक और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये है आपका इतना ओम। आर ए का मान कितना आएगा? 0.03 × 5 ओम, ठीक। तो ये है ऑमीटर का तुल्य प्रतिरोध। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, फार्मूला जो मेन है वो आपको पता रहना चाहिए, इसी फार्मूले से सब कुछ हो रहा है, ठीक है? आसान है जी, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप। जब पूरे पैमाने का विक्षेप जिस धारा से होता है उसी को बोलते हैं आईजी। इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? तो 1 एम्पियर में धारा संट लगाना पड़ेगा समांतर क्रम में। इस प्रकार परिवर्तित अमीटर, यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है? अमीटर का प्रतिरोध यहाँ भी हमें क्या करना है? निकालना है। क्वेश्चन तो आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है? कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान सा क्वेश्चन सब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी, यानी G बराबर कितना दिया है? 20 ओम, ठीक है? IG बराबर कितना दिया है? 0.005 एम्पियर, ये दिया ना? हाँ, कह रहा है कि इससे एक, यानी टोटल धारा हमें कितना मापना है? 1 एम्पियर का। तो यस का मान बताइए और उसके बाद कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध बताइए, ठीक है ना? तो आसानी से इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। आई जी बराबर कितना होता है? आई यस के बटे यस प्लस जी, यस प्लस जी। आई जी का मान हमें पता है कितना? 0.005। आई एक, यस का मान निकालना है, यस का मान निकालना है। जी का मान दिया है कितना? 20, इसके बटे 1 कर देते हैं। 1 का गुणा यस में करेंगे यस, तिर्यक गुणा कराएंगे तो यस आएगा। अब इसका कराएंगे देखिए, 5 5 25, ठीक है? कितने अंक पे दशमलव लगना चाहिए? 3 अंक पे ना, तो 3 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर से देखिए 20 का भी गुणा कराना पड़ेगा। सॉरी ये 5 नहीं है, माफ़ी चाहते हैं, ये यस है। ये कितना है? एस है। तो इधर देखिए यस होगा तो कितना जाएगा? 0.005 × s हो जाएगा, ठीक है ना? यस और 5 में थोड़ा सा अंतर आप लोग समझिए। अब 20 का गुणा कराइए, 20 5 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.100, यानी देखिए 20 5 100 लिख देते हैं। कितने अंक पे दशमलव लगना चाहिए? 3, 3 अंक पे दशमलव ऑलरेडी है, ठीक है? तो यहाँ से s का मान निकाल लेते हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, ठीक है? ये गुणा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? गुणा है। तो s इज इक्वल टू ये -0.005, अब थोड़ा 5 ऐसे लिखेंगे, यस, ठीक है? बराबर कितना है? 0.1। इधर घटाएंगे तो यस को कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करेंगे तो 1 − 0.005 बराबर कितना? 0.1। यहाँ से एक में से घटाइए, एक में से घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? अब आपको देखिए 1.000 घटा करके चेक कर लेते हैं, 0.05, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 9 दशमलव, इतना कितना आएगा बताइए? घटाएंगे तो 0.995 इज इक्वल टू 0.1, यानी एस इज इक्वल टू उधर जाएगा 0.1 बटे 0.995। अब 2 0 और बढ़ा देते हैं, 3 अंक पे दशमलव ऊपर 3 अंक पे नीचे, कितना हो जाएगा? 1/995 ओम, ठीक है ना? आप चाहे तो आप भाग दे सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है? आसानी से इतना है ना, ठीक? सॉरी 1 नहीं 100 रहेगा, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो 100/995 ओम आ जाएगा, ठीक? तो इतने का संट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है अमीटर का प्रतिरोध,
तो अमीटर का प्रतिरोध अभी अभी फार्मूला हमने निकाला था, आर ए बराबर कितना था, एस जी के बट्टे एस प्लस जी, ठीक है ना, दोनों समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम के लिए जब दो प्रतिरोध होते हैं तो यही फार्मूला भी इसके पहले जस्ट निकाला है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। आर इज इक्वल टू एस, एस का मान कितना है 100 के बट्टे 995 गुणे जी, जी का मान कितना है, देखिए जी का मान है 20 बट्टे यस, यस का मान यहाँ हमने निकाला है 100 के बट्टे 995 प्लस जी, जी का मान कितना है 20 है, ठीक है, तो यहाँ से आर ए बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 20 के बट्टे 995 बटे 100 प्लस 20 गुणे 995, ठीक है, बटे 995, 995 995 से कैंसिल हो जाएगा, आर ए बराबर हो जाएगा 100 गुणे 20 बटे इधर 100 प्लस 20 गुणे 995, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आर ए का मान हमें निकालना है, तो 100 का गुणा 20 में करेंगे तो 2 3 0 2000 हो जाएगा बटे, इधर देखिए गुणा करिए तो 100 प्लस 2 5 10 10 तो ये वाला बढ़ा दिया, 2 5 10 2 9 18 1 19 2 9 18 1 19 100 कामन है नीचे से क्या, 100 कामन है नीचे से क्या, बिल्कुल कामन है, तो 2000 बटे, ठीक है ना, 2000 बटे कितना हो जाएगा, 100 कामन लेते हैं तो 100 कामन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 के बटे 2 0 वो कैंसिल हो जाएगा 199 ना, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गया, आर ए बराबर कितना जोड़ देंगे नीचे तो 200 हो जाएगा क्या, हाँ 200 हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, आर ए बराबर हो जाएगा 2/20 काट दिया 1/10 यानी आर ए का जो मान आएगा वो 0.1 ओम का होगा, यानी अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा 0.1 ओम। आसान है कि नहीं है, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस आप देख के डरिए मत, एकदम आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, सब आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक धारा मापी में 30 विभाजन है, एक धारा मापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, प्रति विभाजन, ठीक है, उसकी जो धारा संवेदिता है वह कितना है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन, कुल कितने विभाजन है 30 विभाजन, यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 ओम तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन अब इसी पैटर्न पे आगे आने वाले हैं आपको, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से एक बार। कराए एक धारा मापी में कुल कितने विभाजन है 30 विभाजन, ठीक है ना, मतलब एक धारा मापी ऐसे बना हुआ है और इसमें कुल कितने खाने ऐसे बने हुए हैं, ऐसे इसमें कुल मिलाकर के 30 खाने, अब आप गिनिए मत, इसमें 30 खाने नहीं होंगे, जो धारा मापी है वह है 30 खाने का। कह रहा है कि उसकी धारा संवेदिता जो है, धारा संवेदिता जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी जो धारा संवेदिता है, अच्छे से आप समझिएगा, संवेदिता वह दिया है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन, प्रति विभाजन, कुल कितने विभाजन है विभाजन, ठीक है, मतलब धारा संवेदिता एक विभाजन में वह जा रहा है तो कितनी धारा ले रहा है 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, फिर दूसरे में जाएगा तो 40 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, फिर तीसरे में जाएगा तो 60 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, ऐसे आपका टोटल जाएगा, तो यह टोटल कितनी धारा माप सकता है बताइए, एक में 20 माइक्रो एम्पियर, दो में 40, तीन में 60, ठीक है, तो आईजी का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा बताइए, कुल 30 है, देखिए एक में कितना माप रहा है 20 माइक्रो एम्पियर, एक में कितना माप रहा है 20 माइक्रो एम्पियर, तो कुल में कितना मापेगा, पूरे में कितना मापेगा, यहां तक कितना अरे इतना 20 माइक्रो एम्पियर, ये 40, ये 60, ये 80, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कुल कितने ऐसे बने हैं 30, तो कुल कितना मापेगा 30 का इसी में गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा स्केल का विक्षेप आ जाएगा, ठीक है, तो 20 60 यानी 600 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 के खाते -6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। आईजी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, आईजी बराबर यहां से हो जाएगा 6 गुणे 10 के खाते -4
एम्पियर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसका प्रतिरोध यानी कि जी बराबर दिया है कितना 20 ओम, जी बराबर कितना दिया है 20 ओम। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे यानी टोटल जो धारा मापना है वह 1 एम्पियर का मापना है, तो एस का मान पूछ रहा है कितने का संट लगाएं। एकदम आसान है कि नहीं ये फार्मूला, बताइए क्या जानते हैं, आई जी इज इक्वल टू आई एस के बट्टे यस प्लस जी, फार्मूला यही है। हाँ, आई जी का मान हमें पता है कितना 6×10⁻⁴ है, आई का मान 1 है, आई का मान कितना है 1 है, गुणे यस का मान निकालना, यस प्लस जी, जी का मान कितना है 20, जी का मान कितना है 20, त्रिक गुणा करा देते, 1 यस का गुणा 1 में होगा यानी यस ही आएगा, इधर देखिए ये एस है, यस का गुणा इसमें होगा तो 6×10⁻⁴ यस प्लस 20 का गुणा इसमें होगा तो 20×6 ×10⁻⁴, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यस माइनस 6×10⁻⁴ यस बराबर देखिए इधर कितना हो जाएगा 1.2×10⁻², हो जाएगा यस को कॉमन कर लेते हैं तो 1 के माइनस 6×10⁻⁴ हो जाएगा, यस कॉमन किया इतना ही बचेगा ना, 1.2×10⁻², हो जाएगा। अब देखिए एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक में से अच्छा यहाँ पे है 6×10⁻⁴, माइनस चार यानी ये माइनस अगर हटाना चाहते हैं तो 4 अंक दशमलव इधर लग जाएगा, तो 0.00006 4 अंक पे दशमलव लगा, बिल्कुल लग गया, इज इक्वल टू कितना 1.2, अच्छा इसको भी दशमलव हटाना चाहते हैं 2 अंक दशमलव इधर आएगा, एक ऑलरेडी है 2 ये जाएगा, ये 3 अंक पे दशमलव लगेगा यानी 0.012 3 अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है, अब यहां से घटाइए, एस इज इक्वल टू घटाएंगे देखिए कितना हो जाएगा, यहां से 9.994 हो जाएगा, घटा करके आप चेक करिएगा इतना ही आएगा, 4 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 4 अंक पे दशमलव लगा है। ठीक है, इधर कितना है बराबर 0.012, यस बराबर कितना हो जाएगा 0.012 के बट्टे 0.9994, एक जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं बढ़ा दिया, दशमलव दशमलव से कैंसल यानी 120 के बट्टे 9994 हो जाएगा, इतने ओम का संट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए, जब आप भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह 0.012 ओम आएगा, भाग देकर के आप कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा, आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, आप यहीं पे छोड़ देंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगर आंसर किताब वाला लिखना चाहते हैं तो भाग दे करके लिखिएगा, इतना आंसर आएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है एकदम करेक्ट नहीं आएगा, लगभग इतना आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आसान है, आई होप आप समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें, बेड़ो को पास कीजिए, बेड़ो को पास करके क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वह कह रहा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है, इसे 10 एम्पियर तक नापने वाले अमीटर में कैसे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि नहीं, सेम सब क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है, यानी 1 मीटर आईजी, आईजी बराबर दिया है 1 एम्पियर, कुंडली के जो प्रतिरोध दिया है जी का मान वह कितना दिया है 0.018 ओम। ठीक है, उसके बाद इसे 10 एम्पियर, I इज इक्वल टू कितना है 10 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कितने का संट लगाएं S बराबर, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे फार्मूला हमें पता है IG इज इक्वल टू आई एस के बट्टे यस प्लस जी, इसी फार्मूले को उपयोग करते हैं, IG का मान दिया है 1, I कितना लेना है 10, यस बट्टे यस प्लस जी, जी का मान हमें दिया है कितना दिया है 0.018। ठीक है, इसके बट्टे एक कर देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 10 यस, इधर गुणा कराएंगे तो यस प्लस 0.018, सब आसान क्वेश्चन है, यस प्लस में है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 यस माइनस यस बराबर इधर कितना बचा 0.018, इधर कैंसल हो जाएगा 9 यस बचेगा,
इधर कितना 0.0189 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में 0.0189 के बट्टे 9। यस बराबर कितना हो जाएगा भाग दे दीजिए तो दशमलव है, दशमलव बढ़ाया ठीक है, उसके बाद नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाया ठीक है, फिर नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाया ठीक है, तो यहाँ पे 9 × 2 = 18 ठीक, इतना आपका ओम आएगा। भाग सही है कि नहीं है, अब भाग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, सही तो लग रहा है ठीक, सही है भाग, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सेम यही यस केवल पूछ रहा था कितने का संट लगाना है, तो आसानी से आपका आ जाएगा 0.02 ओम का संट लगाएंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ, कराए एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 5 मिली एम्पियर धारा से इसे पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है 0 से 10 एम्पियर पर आस के मीटर में ठीक है, तो अधिकतम धारा कितना मापना है 10 एम्पियर ठीक है, तो यहाँ पे I का मान 10 लेंगे, 0 वैसे ही दिया है। कराए कि कितनी धारा मापना है 0 से 10 एम्पियर, यानी I का मान दिया है ठीक है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सॉरी 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक कुंडली का जो प्रतिरोध है यानी जी का मान दिया है, जी का मान कितना दिया है 100 ओम, फिर कह रहा है कि 5 मिली एम्पियर धारा में यानी आई जी का मान है 5 मिली एम्पियर, इस मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10^-3 से गुणा कर दिया जाता है। कह रहा है कि धारा में पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है 0 से 10 एम्पियर, यानी अधिकतम धारा कितना मापना है 10 एम्पियर, उसके बाद S बराबर कितना है निकालना है। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, IG बराबर IS के बट्टे S प्लस G, इसी फार्मूले को तो निकालेंगे। IG बराबर कितना है 5×10^-3 I कितना निकालना है 10 S S प्लस जी, जी का मान कितना है देखिए, जी का मान कितना है 100, गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा कराइएगा, इधर लिखेंगे तो 5×10^-3 गुणे यस, ये देखिए 5 है और वो वाला यस है, ये 5 है ये एस है ठीक है, फिर 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 5 में कराएंगे तो 500×10^-3 ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 10 यस हो जाएगा ठीक। अब यही कैलकुलेशन बस करना है आपको, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको देखिए ये पूरा क्वांटिटी प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो 10 एस माइनस, इधर कितना हो जाएगा देखिए 5×10^-3 एस, 5×10^-3, इसको अगर दशमलव में लिखना चाहे तो 0.3 अंक पे दशमलव लगा दे, हाँ देखिए 5×10^-3 ये 10^-3 हटाना चाहते हैं 3 अंक पे दशमलव इधर आ जाएगा बाएं साइड यस। अब इधर कितना है 500×10^-3 500 क्यों क्या लिख सकते हैं 5×10^2 10^-3 ठीक है, यस कॉमन कर लेते हैं, कितना बचा 10−0.005 ठीक है, उसके बाद इधर क्या बचेगा 5×10^-1 ठीक, एस घटा दीजिए तो घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 दशमलव, देखिए यहाँ पे 9 तीन अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव लगाते हैं ठीक है ना, इतना ही बचेगा कि और कुछ, ध्यान से देखिएगा यही बचेगा, हाँ इधर कितना हो जाएगा 0.5, उधर भाग करा देते हैं तो यस बराबर 0.5 के बटे 9.995, नीचे 3 अंक पे दशमलव ऊपर भी 3 अंक पे दशमलव कर देते हैं तो हट जाएगा 500 के बटे 9995 ओम आएगा ठीक है। यस का मान कितना आ गया 500 के बट्टे 9995 ओम ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आसान था क्वेश्चन ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आपका S इज इक्वल टू 0.499 ओम आएगा, जिसको आप लगभग S इज इक्वल टू 0. सॉरी यहाँ पे एक जीरो रहेगा 0.05 ओम भी लिख सकते हैं, भाग देकर के चेक करिएगा, लगभग आपका आंसर इतना ही आएगा ठीक है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध
30 ओम है, इसे एक इसमें एक संकेतक लगा है और पैमाने पर 100 भाग है, ठीक है ना। जो इसके पहले हमने बताया था जो विभाजन कह रहा था, वही संकेतक में कुल कितने भाग हैं, 100 भाग हैं। 2×10⁻⁴ धारा के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने के एक भाग के बराबर है, मतलब एक भाग जब जाता है तो कितना होता है, 2×10⁻⁴, तो पूरा कितना जाएगा, वही आईजी होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस धारा मापसी से 5 एम्पियर की धारा मापने के लिए कितने संट की आवश्यकता, यानी यस ही पूछ रहा है, यस का ही मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यस का मान चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10। देखिए क्या कह रहा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है, यानी जी का मान कितना दिया है, 30 ओम। फिर कह रहा है कि इसमें संकेतक लगा है, यानी जो धारा मापी है इसमें कुल कितने भाग हैं, कुल कितने भाग हैं, 100 भाग हैं। टोटल ऐसे 100 भाग हैं। जब एक भाग सुई एक खाना ऐसे चढ़ता है, जब एक खाना चढ़ता है तब कितनी धारा, अच्छा आईजी का मान कितना होगा, देखिए एक खाना चढ़े, आईजी मतलब पूरा सुई घूम करके पूरा विक्षेप बता दे, आईजी मतलब क्या, पूरा विक्षेप बता दे। एक खाने का विक्षेप कितना है, 2×10⁻⁴, एक खाने का विक्षेप कितना है, 2×10⁻⁴, एक खाने का इतना है तो 100 खाने का कितना होगा, 100 का इसी में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आईजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2×10⁻⁴, 10⁻⁪ कितना हो जाएगा, 10⁻², ठीक है। अब कह रहा है कि इस धारा मापी में 5 एम्पियर की धारा, यानी I बराबर कितना हमें मापना है, 5 एम्पियर। ये उस धारा मापी का पूर्ण विक्षेप है, यस का मान आपसे पूछ रहा है। फार्मूला आप जानते हैं, आई जी इक्वल टू IS के बटे यस प्लस जी है। IG का मान हमें पता है कितना, 2×10⁻², हाँ 2×10⁻²। I का मान कितना है, 5, ठीक है। देखिए 5×S, अब आपको समझ में आएगा, यस प्लस जी, जी का मान कितना है, 30। 13 गुणा करा देते हैं, 5 यस का गुणा एक में होगा तो कितना हो जाएगा, 5 यस, ठीक है। अब इधर गुणा कराते हैं तो यस का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2×10⁻², यस, ठीक है, यस हो गया। अब 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3×2 = 6, 60×10⁻²। इधर देखिए 5 यस, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस में होगा। अब देखिए 10×-2 है, अगर इसको दशमलव में लिखना हो तो 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यस बराबर इधर कितना बचा, 60×10⁻², इसको भी दशमलव में लिखेंगे तो 0.60 हो जाएगा। ये सब चीजें अब आपको आना चाहिए, यस को कॉमन कर लिया, 5 माइनस कितना बचा, 0.02 बराबर कितना हो गया, 0.60, ठीक है। इधर घटा देते हैं, घटाना भी आपको आना चाहिए, 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 होगा, घटाएंगे तो यही आएगा ना जी, बिल्कुल यही आएगा। घटाना ना आता हो तो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 10.2 अंक पे है, कट जाएगा, 60×498 ओम आएगा। यस का मान कितना गया, 60×498 ओम आएगा, ठीक है। अगर आप इसको चाहे तो दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप दशमलव में चेंज करेंगे तो लगभग यस का जो मान आएगा वह 0.12 ओम आएगा, ठीक है। जब आप इसको आप चेंज करेंगे तो जो मान आएगा वह 0.12 ओम आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ आपको। थोड़ा सा मार्कर का इंक खत्म हो गया था, मार्कर हमने चेंज किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है, ठीक है। प्रति मिली एम्पियर धारा से मतलब 1 मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है, ठीक है। धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम है, यदि धारा मापी में 2.5 ओम का संट, यहाँ पे संट निकालना नहीं है, दिया है, और धारा मापी के पैमाने पर 50 विभाजन है, तो यह धारा मापी अधिकतम कितनी धारा माप सकेगा, यहाँ पे आई का मान पूछ रहा है, ठीक। अब ये सब क्वेश्चन और कैलकुलेशन अब थोड़ा सा आसान होगा।
कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक धारा मापी पे प्रति मिली एम्पियर, देखिए एक मिली एम्पियर में आईजी का हमें मान निकालना है, एक मिली एम्पियर में विक्षेप हो रहा है, ठीक है ना, एक विभाजन का, एक मिली एम्पियर जा रहा है तो एक विभाजन का विक्षेप, ठीक है, एक मिली एम्पियर में एक विभाजन का विक्षेप, इतना जा रहा है तो एक मिली एम्पियर, इतना गया तो दो मिली एम्पियर, इतना गया तो तीन मिली एम्पियर, इतना गया तो चार मिली एम्पियर, तो ऐसे कुल कितने भाग है? 50, ठीक है, तो कुल कितना होगा अगर पूरा विक्षेप लेना है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कुल कितने है? 50, तो यहां एक, यहां दो, यहां तीन, यहां पहुंचेंगे तो 50 को उसी में गुणा कर देते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। आईजी बराबर 50 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर बदलने के लिए 10^-3 से गुणा, अब एम्पियर में बदल गया, या फिर आईजी बराबर कितना हो जाएगा? 5×10^-2 एम्पियर, ठीक। अब कह रहा है कि यदि धारा मापी में 2.5 ओम का संट लगा हो, यस का जो मान दिया है वह 2.5 ओम का संट हमने लगाया हुआ है, तो यह धारा अधिकतम कितनी धारा माप सकता है? आई का मान हमसे पूछ रहा है, गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध नहीं दिया है क्या? यदि धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम दिया है, ठीक है, जी का बराबर 80 ओम, बिना इसके निकल ही नहीं पाएगा, कोई तरीका हो तो ढूंढते। चले फार्मूला क्या है, फार्मूला यहां हमने ऑलरेडी लिख लिया है, आई जी इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस के बटे जी प्लस एस कहिए या प्लस जी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई जी का मान हमें पता है कितना, 5×10^-2 आई, ये आई है, आई का मान हमें निकालना है, एस का मान दिया है कहाँ है, 2.5 ओम बटे जी, जी का मान हमें दिया है 80 प्लस यस का मान दिया है 2.5, ठीक है, आई का मान निकालना है, तो ध्यान से देखिए आई का मान हमें निकालना है, ये पूरा क्वांटिटी जोड़ दीजिए कितना आएगा, 82.5 भाग में है इधर जाएगा तो गुणा, यानी 5×10^-2 इसको जोड़ेंगे तो 82.5 इधर जाएगा तो गुणा, 82.5 गुड़े में हो गया, 2.5 आई के साथ क्या था, गुणा में, इधर जाता तो भाग में, यानी 2.5 इससे कैंसिल होगा, 2.5 कितना जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए 5/2.5 है, 10 बढ़ा देते एक जीरो ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, देखिए 2.5 का भाग देंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा क्या, नहीं, 2 बार जाएगा, सॉरी 20 बार कहाँ चला जाएगा, माइंड भी हैंग करने लगा है, 2×10^-2 गुड़े इधर कितना है, 82.5, ठीक है ना, अरे 5 में आधे का भाग देंगे दो ही बार जाएगा ना, 2.5, 2 का गुणा करेंगे 5 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2×5=10 गुणा कराइए, 2×2=4, 5×2=8=16, 17, ठीक है, एक अंक पे 10^-2 -2 हटाना चाहिए, तो अब बताइए 2 अंक 10 और इधर आएगा, यानी आई इज इक्वल टू 1.75 एम्पियर। अगर इतना भारी प्रतिरोध आप लगाएंगे, 2.5 ओम का संट लगाएंगे, तो वह धारा 1.75 एम्पियर का माप सकता है, उससे ज़्यादा धारा वह नहीं माप सकता है, समझ रहे हैं, आसान है, यहाँ पे गुणा थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्या, 2×8=16 होगा ना, यहाँ पे 6 रहेगा, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, जोड़ घटाना गुणा भाग में हम लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, आसान है, कैलकुलेशन एकदम नॉर्मल है, आई होप आप लोग सभी चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और पास करके क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब एक धारा मापी के साथ 4 ओम का संट लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है, यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम के प्रतिरोध का संट और लगा दिया जाए, ठीक है ना, इस प्रबंध के साथ 2 ओम के प्रतिरोध का संट और लगा दिया जाए तब विक्षेप कितना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले कह रहा है कि धारा मापी के साथ 4 ओम का संट लगाया गया है, यानी संट का जो प्रतिरोध है वह दिया है 4 ओम। जब आप ये संट लगा रहे हैं तब विक्षेप 1/5 रह जाता है। विक्षेप कितना रह जाता है? 1/5, ठीक है, विक्षेप कितना रह जाता है? 1/5। इस बात को समझिए, विक्षेप जो होता है
वह धारा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी धारा विक्षेप होगा, कम विक्षेप रहेगा तो हम जानेंगे कम धारा है, ज़्यादा विक्षेप होगा गैल्वानोमीटर में, ज़्यादा सुई चढ़ेगी तो हम लोग जान जाएंगे कि ज़्यादा धारा है, ठीक है ना। तो विक्षेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो दिया है इसका मतलब समझिए, विक्षेप जो दिया है वह 1/5 है, यानी 5 एम्पियर की धारा जाने पर उसमें विक्षेप कितना हो रहा है, 5 एम्पियर टोटल धारा है, विक्षेप कितना है 1, यानी 1/5 क्या दिया है, IG/I दिया है, IG/I का मान कितना दिया है आप बताइए, यही दिया है कि नहीं। अगर यहां से IG बराबर कर दें 1/5 × I, यानी कि जो विक्षेप है वह धारा के 1/5 है, यही तो कह रहा है, IG = 1/5 × I, यानी कि जो विक्षेप है वह धारा के 1/5 है, तो यही तो कह रहा है धारा के 1/5 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एस का मान। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, IG = I/S/S+G होता है, ऊपर ही फार्मूला लिखे हैं, आई इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, यानी IG/I बराबर कितना हो जाएगा, S/S+G हो जाएगा, ठीक है। IG/I का मान 1/5 है, यस का मान कितना है 4 + G, जी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तिरक गुणा करा देते हैं, तिरक गुणा कराएंगे तो 4 + G हो जाएगा और 5 × 20 हो जाएगा, जी ये 4 + में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी जी का जो मान आ गया वह 16 ओम, यानी जो गैल्वानोमीटर है उस गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध कितना दिया है 16 ओम। अब आगे कह रहा है कि 2 ओम का संट और लगा दिया जाए, ठीक है ना। अभी जो संट आपने यूज किया है वो 4 ओम का, अब 2 ओम का संट और लगा दिया जाए, अब 2 ओम का और संट लगाने पर, ठीक है, तब बताइए कुल प्रतिरोध कितना होगा 2 ओम का संट लगाने पर। जब आप 2 ओम का संट लगाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा बताइए, 1/S = 1/S, ठीक है। टोटल अब हमें संट निकालना है, ठीक है, तो 1/ST कर देते हैं, टोटल संट, या यस डैश कर देते हैं, तो ये कितना होगा, पहले वाला कितना था 1/4, समांतर क्रम में ही लगाएंगे ना, फिर 1/2 कर दिया, ठीक है। तो 1/S बराबर हो जाएगा 4 × 4 + 2, यानी एस डैश का जो मान होगा वह 4/3 आ जाएगा, यानी अब जो तुल्य संट है, दोनों संट को मिला करके जो संट कार्य कर रहा है वह कितना कार्य कर रहा है, 4/3 ओम का कार्य कर रहा है। मात्रक जरूर लिखिए, बिना मात्रक का काम नहीं हो पाएगा ना, यस डैश बराबर कितना है 4/3 ओम का। अब कह रहा है तो विक्षेप कितना होगा, मतलब जब इतना आप संट लगाएंगे तब विक्षेप कितना होगा, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो फार्मूला हम जो जानते हैं, IG बराबर कितना होता है IS, अब यहां पे यस कौन सा रखेंगे, यस डैश वाला, फिर S/G गैल्वानोमीटर का तो ही रहेगा, हमें कितना विक्षेप होगा, यानी IG/I का ही मान निकालना है, बताइए IG/I विक्षेप यही निकालना है ना, IG/I निकालना है, ठीक है। यस डैश का मान कितना है 4/3, टोटल के बटे फिर यस डैश, यानी 4/3 + G, जी का मान कितना है, जी का मान हमने कहीं निकाला है ना, 16 हो गया, यानी IG/I = कितना हो जाएगा 4/3 16, यहाँ पे देखिए 4 16 32 16 48 के बटे कितना हो जाएगा 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, IG/I = कितना हो जाएगा 4/52, ये इससे कैंसिल होगा 1/13, यानी IG/I = 1/13, और यही क्या है, विक्षेप है, ठीक है। IG/I यहाँ पे देखिए विक्षेप था, विक्षेप 1/5 था, यानी IG/I = 1/5 था, तो यहाँ IG/I आया, यानी विक्षेप आया है, तो विक्षेप कितना है 1/5, विक्षेप कितना है 1/5, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आई होप ये क्वेश्चन 12 आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पास कीजिए और वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सब लगभग एक ही पैटर्न पर थे, सब कैसे धारा मापी का अमीटर में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, कैसे बदला जाता है, उसी पे न्यूमेरिकल थे, इसका थ्योरी हमने ऑलरेडी कर लिया था,
न्यूमेरिकल यहाँ पे किया हुआ है। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन, ठीक है ना। तो उस पर जो न्यूमेरिकल है उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसके आगे की जो न्यूमेरिकल है वो धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पर ही न्यूमेरिकल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ इसके आगे के वीडियोज़ में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।